राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की राजस्थान में उनके घर में घुसकर हुई हत्या के विरोध में कन्या सेना कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आक्रोश दर्ज कराया। दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए यह मार्ग चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे होने के साथ ही मुंबई आगरा नेशनल हाईवे को भी जोड़ता। कन्या सेना सहित सर्व समाज के बैनर तले करीब 1 घंटे तक घटना के विरोध में चक्का जाम किया गया। इससे सैकड़ों वाहनों की कतारें जुलवानिया रोड, इंदौर रोड सहित बावड़ी बस स्टैंड की ओर जाने वाले रास्ते पर लग गई, जिसमें भारी वाहनों सहित कई दो पहिया चार पहिया सवार भी परेशान होते नजर आए। कई लोग सकरे रास्ते तलाशते नजर आए तो कई पलट कर लौटता नजर आया, जबकि भारी वाहन चालकों को प्रदर्शन समापन का इंतजार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। दादा के हत्यारों को, दादा के हत्यारों को, दादा के हत्यारों को, सुखदेव दादा, सुखदेव दादा। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था वो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्णी सेना परिवार के, जिन्होंने सर्व समाज पूरे हिंदू समाज के पूरे भारत में आवाज उठाई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसी के विरोध में आज सारे संगठनों ने मिलकर, साथ में सकल हिंदू समाज ने मिलकर जिलाधीश न्यायाधीश महोदय को ये ज्ञापन देते हुए कहा है कि आपसे निवेदन है कि आप इस जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, नहीं तो इसके बाद में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश में, साथ में खरगोन जिले में भी। कुलदीप सिंह सनावत, कर्णी सेना परिवार, जिला अध्यक्ष। कर्णी सेना के अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह जी का जो जिस प्रकार से कल उनकी हत्या की गई, उस विरोध में हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए थे और सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज, राष्ट्रीय कर्णी सेना, कर्णी सेना, जय राजपूताना संघ, क्षत्रिय महासभा और समस्त प्रकार के क्षत्रिय संगठन यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे निवेदन करने आए हैं कि जो हत्यारे हैं उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए। प्रहलाद सिंह तंवर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय महामंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।